जय हिंद, जय हिंदी, हंस वाहिनी क्लासेज अयोध्या, महामा मसौदा मोती नगर में मैं राम शंकर दुबे अपने सभी नए और पुराने छात्रों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यदि आप भी अपने हंस वाहिनी क्लासेज अयोध्या यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अपने हंस वाहिनी क्लासेज अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं है, ना आपका कुछ लगेगा, आपका फायदा ही होगा। आप हंस वाहिनी क्लासेज यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे और आपको नित्य प्रति नई जानकारियां मिलना शुरू हो जाएंगी। इस वीडियो में हम सब क्लास फोर्थ की इंग्लिश जो ऑलविया प्रकाशन की पुस्तक है का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। लेसन वन, माई ग्रेट इंडिया। माई मीन्स मेरा, ग्रेट महान, इंडिया भारत, मेरा भारत महान। बच्चों मेरी पेन को ध्यान से देखना, यदि आप ध्यान से मेरी पेंसिल देखेंगे तो आपको मीनिंग नहीं याद करनी पड़ेगी। मेरा वादा है कि आपको मीनिंग अपने आप याद होता जाएगा और कुछ दिनों के बाद आप इंग्लिश से हिंदी में अर्थ निकालना भी सीख जाएंगे। इंडिया भारत इज है माय कंट्री, मेरा देश है भारत। माय कंट्री मेरा देश इज है ए ब्यूटीफुल, एक सुंदर लैंड, जमी है, धरती है, वेयर जहाँ पर पीपल लोग ऑफ मीन्स के डिफरेंट रिलीजन्स, विभिन्न धर्मों के लोग, कास्ट जातियों के लोग एंड क्रीड्स और विभिन्न विश्वासों के लोग लिव रहते हैं। देयर यहाँ पर आर हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसीज हैं एंड जैनिज और जैन हैं। हु लिव, हु मीन्स जो लिव रहते हैं टुगेदर साथ साथ इन पीस शांति में रहते हैं एंड हारमोनी और एक साथ रहते हैं। दे स्पीक वे बोलते हैं इन देयर ऑन लैंग्वेज, इन मीन्स में, देयर मीन्स उनके, ऑन मीन्स अपने, लैंग्वेज भाषाओं में बोलते हैं, वे अपनी भाषाओं में बोलते हैं। सो इसलिए देयर आर यहाँ हैं मेनी बहुत से लैंग्वेज भाषाएं हैं स्पोकन बोली गई हैं इन दिस ग्रेट कंट्री, इन मीन्स में, दिस मीन्स इस, ग्रेट मीन्स महान, कंट्री देश में बोली गई हैं। इंडिया भारत इज है गिफ्टेड उपहार है विथ ग्रेट नेचुरल, ग्रेट मीन्स महान, नेचुरल प्राकृतिक ब्यूटी सुंदरता का, टू मीन्स भी, भारत महान प्राकृतिक सुंदरता का वरदान भी है। इन दी नॉर्थ उत्तर में आर हैं दी लॉफ्टी ऊंचे ऊंचे माउंटेन पर्वत की रेंज श्रेणियां हैं, कॉल्ड कहा गया है दी हिमालयाज, हिमालय कहा गया है। दी होली रिवर पवित्र नदी गंगा फ्लो बहती है फ्रॉम दी हिमालयाज, हिमालय से डाउन नीचे की ओर बह के आती हैं, टू दी प्लेन्स मैदानों में बह के आती हैं। तो देयर आर यहाँ हैं मीनी बहुत सी बिग बड़ी रिवर्स नदियाँ हैं इन इंडिया भारत में, लाइक जैसे दी गंगा है, यमुना है, गोदावरी हैं, कावेरी हैं, महानदी हैं एंड और सोवान, ढेर सारी नदियाँ हैं। दी ग्रीन प्लेन्स हरे मैदान प्रोड्यूस तैयार करते हैं, क्रॉप फसलों को तैयार करते हैं एंड सेरल्स खाने वाले अनाज को तैयार करते हैं इन प्लेंटी पर्याप्त मात्रा में। दी फॉरेस्ट जंगल लाइक जैसे दी सुंदरबन आर हैं रिच भंडार है इन फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स पेड़ पौधों का भंडार है एंड और फाउना जीव जंतुओं का भंडार है। देयर आर यहाँ हैं सीज बीचेज, सीज मीन समुद्र के, बीचेज माने समुद्री किनारे हैं एंड और पोर्ट्स बंदरगाह, टू मीन्स भी, और बंदरगाह भी हैं। तो सम कुछ ब्यूटीफुल सुंदर
बीचेज समुद्री किनारे आर हैं, दी जूहू है इन मुंबई में एंड और मेरीना है इन चेन्नई में, प्यूपी लोग प्ले खेलते हैं, मैनी बहुत से वाटर स्पोर्ट जल वाला खेल खेलते हैं ऑन दी बीचेज समुद्री किनारों पर, बोथ दोनों फॉरेन विदेशी एंड और इंडियन टूरिस्ट और भारतीय पर्यटक विजिट घूमने आते हैं। टूरिस्ट स्पोर्ट्स, टूरिस्ट मीन्स पर्यटकों के, स्पोर्ट्स माने स्थलों पे घूमने टहलने के लिए आते हैं। इन इंडिया भारत में घूमने टहलने के लिए आते हैं इन समर गर्मी में एंड एटमन और पतझड़ में टूरिस्ट पर्यटक गो जाते हैं टू हिल स्टेशंस पहाड़ी स्टेशनों पर जाते हैं लाइक जैसे शिमला ठीक है कौसानी मसूरी दार्जिलिंग ओटी और माउंट आबू ईटी से सक्ट्राज यहाँ पर पर्यटक घूमने टहलने के लिए जाते हैं। तो देयर आर यहाँ हैं मॉल्स दुकानें हैं एंड और मार्केट्स बाजारें हैं इन दीज पैलेसेज इन स्थानों पे हुईच जो कि अट्रैक्ट आकर्षित करता है द टूरिस्ट पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो देयर यहाँ पर आर हैं मीनी बहुत से हिस्टोरिकल ऐतिहासिक पैलेसेज स्थान हैं इन राजस्थान में महाराष्ट्र में एंड दिल्ली और दिल्ली में ताजमहल दी ताजमहल इन आगरा में इज है वन एक ऑफ दी सेवन वंडर्स। सेवन वंडर्स मीन्स सात आश्चर्यों में से एक है ऑफ दी वर्ल्ड संसार का। इट वाज बिल्ट इट ये वाज था बिल्ट बना था बाय दी ग्रेट मुगल महान मुगल एम्परर मुगल सम्राट के द्वारा बनाया गया था शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। दी टेम्पल्स मंदिरें इन दी साउथ इंडिया दक्षिण भारत में आर हैं फेमस प्रसिद्ध हैं फॉर देयर स्कल्पचर अपनी कलाकृति के लिए प्रसिद्ध हैं। तो देयर आर यहाँ हैं हॉली पैलेसेज पवित्र स्थान हैं टू मीन्स भी यहाँ पर पवित्र स्थान भी हैं लाइक जैसे बनारस हरिद्वार तिरुपति वृंदावन एंड और मेनी अदर बहुत से दूसरे पवित्र स्थान हैं। पीपल लोग ऑफ के डिफरेंट रिलीजन्स डिफरेंट मीन्स विभिन्न रिलीजन्स धर्मों के लोग लिव रहते हैं टुगेदर साथ साथ इन इंडिया भारत में विभिन्न धर्मों के लोग भारत में साथ साथ रहते हैं। देयर यहाँ पर आर हैं हिंदू हैं मुस्लिम हैं सिख हैं क्रिश्चियंस हैं पारसी हैं एंड और जैन्स जैन हैं। सो इसलिए देयर आर यहाँ हैं टेम्पल्स मंदिरें हैं मास्क्यूज मस्जिदें हैं गुरुद्वाराज गुरुद्वारे हैं एंड और चर्चेज गिरजाघर हैं ऑल ओवर द कंट्री। ऑल ओवर का मतलब पूरे कंट्री देश में सिंस जबकि पीपल लोग ऑफ के डिफरेंट रिलीजन्स डिफरेंट मीन्स विभिन्न रिलीजियन धर्मों के लोग लिव रहते हैं इन इंडिया भारत में रहते हैं तो मेनी फेस्टिवल्स बहुत से त्यौहार आर हैं सेलिब्रेटेड मनाए गए हैं थ्रू आउट पूरे द ईयर वर्ष भर मनाए गए हैं। द हिंदू सेलिब्रेट हिंदू मनाते हैं बसंत पंचमी मनाते हैं होली मनाते हैं दशहरा मनाते हैं दिवाली मनाते हैं हुई जबकि मुस्लिम सेलिब्रेट मुस्लिम मनाते हैं ईद क्रिसमस एंड और गुड फ्राइडे मनाते हैं आर हैं सेलिब्रेटेड ये सब त्यौहार मनाए गए हैं बाय द क्रिश्चियंस बाय मीन्स द्वारा ऑल द रिलीजन सभी धर्मों के द्वारा मनाए गए हैं एंड कम्युनिटीज और समुदायों के द्वारा मनाए गए हैं। कम टुगेदर ये साथ साथ आते हैं ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल्स ड्यूरिंग दौरान दीज फेस्टिवल्स इन त्योहारों के दौरान। सो इसलिए दीज फेस्टिवल्स दीज मीन्स ये फेस्टिवल्स त्योहार बॉन्ड द इंडियंस
एक करते हैं भारतीयों को, टुगेदर आपस में एक कर देते हैं भारतीयों को। तो देयर इज यहाँ है, ग्रेट फन महान आनंद है, एंड फ्रॉलिक खुशी है ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल्स इन त्योहारों के दौरान। विकास क्योंकि ईच ऑफ देम वे प्रत्येक ईच सेलिब्रेट मनाए गए हैं इन द ग्रैंड मैनर। ग्रैंड मैनर का मतलब होता है शानदार ढंग से मनाए गए हैं। द इंडियन भारतीय आर हैं नाउन जाने गए हैं फार के लिए, देयर हॉस्पिटलिटी अपने मित्रवत व्यवहार के लिए भारतीय जाने गए हैं। ए गेस्ट एक मेहमान, इज है ट्रीटेड व्यवहार किया गया है, एज गॉड भगवान के रूप में एक मेहमान के साथ व्यवहार किया गया है, इन एन इंडियन होम भारतीय घरों में। द इंडियंस भारतीय आ रहे हैं वार्म हेटेड गर्मजोशी से, एंजॉयबल खुशी से गर्मजोशी से स्वागत करते हैं अपने मेहमान का। दे लव वे प्रेम करते हैं, वे पसंद भी करते हैं, देश लव वे प्रेम भी करते हैं पसंद भी करते हैं, सेलिब्रेट मनाना वे पसंद करते हैं त्योहारों को, एंड एंजॉय और आनंद लेना त्योहारों का पसंद करते हैं। द वेरियस ऑक्शन जो विभिन्न आयोजन हैं, और एंड और फेस्टिवल्स टुगेदर और जो त्यौहार हैं साथ साथ, उन सब का आनंद लेना सभी लोग साथ साथ पसंद करते हैं। यदि आपने अभी तक अपने हंस वाहिनी क्लासेज अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये मेरा वादा है कि आपकी समझ में पढ़ाई ज़रूर आएगी। प्रयास करेंगे कि हम आपको एक एक मीनिंग पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बच्चों के लिए हमारी संदेश, संसार की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं को सीख सको उत्तम है। अपनी मातृभाषा हिंदी सर्वोत्तम है, इसलिए हिंदी का आदर करें, इसका अनादर न होने दें। अपने दैनिक कार्यों को हिंदी में ही करें, क्योंकि हिंद और हिंदी एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे सभी छात्र और फॉलोअरगण हमारे साथ प्रेम से बोलेंगे, जय हिंद जय हिंदी।